हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभी अभी मनयू ए वी री वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल डूइंग गुड राइट ओके ओके तो स्टूडेंट हमारा अभ्यास टू पॉइंट ओ यहाँ पे यू you नो know, जो हमारा इनिशिएटिव है वो कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा है स्टूडेंट एंड इट इज़ रियली हैल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स राइट और ख़ास करके प्रीलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो एम डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर स्टूडेंट सारा खेल आपके एम सी क्यू का ही होता है जितना ज़्यादा आप एम सी क्यू की प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा यू you नो know, आप बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर ले जाते हो नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होती जाती है ठीक है जी ओके ओके सो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं और सेशन जो है वो हमारा केमिस्ट्री का है स्टूडेंट ठीक है जी केमिस्ट्री करेंगे इसके अंदर हम जर्नल साइंस में बट बिफोर स्टार्टिंग से हर स्टूडेंट हम अभिमन्यु आई जो नंबर वन इंस्टीट्यूट है फॉर एच सी एस प्रेप यहाँ पे हरियाणा जी के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ यू नो यहाँ पे अवेल की है स्टूडेंट में आपको भी पता है स्टूडेंट की फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी क्वेश्चन जो हैं वो हमारे हरियाणा जी के से आते हैं हालांकि इसके वेटेज पहले थोड़ी कम हो गई थी 2021 में 2022 में थोड़ी वेटेज कम रही बट हाँ जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसके अंदर तो स्टूडेंट उन्होंने अच्छी खासी वेटेज रखी हरियाणा हरियाणा जीके के की नो डाउट अबाउट दैट कि क्वेश्चन बहुत ही इजी थे बहुत ही बेसिक पूछे गए थे बट हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट कि वहाँ आप बेसिक क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे या आप तुक्का लगा के सही कर लेंगे नहीं अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है हरियाणा के बारे में हरियाणा की जोग्राफ़ी हरियाणा का क्लाइमेट वहाँ का कल्चर सोसाइटी राइट डिस्ट्रिक्ट के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं होंगे ठीक है और हो सकता है एग्जामिनर थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट भी कर दे सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हरियाणा जी को बहुत अच्छे से करें और उसको सीरियसली लें ठीक है बिकॉज कोई भी पोर्शन छोड़ना या उसको सीरियसली ना लेना और सिर्फ दूसरे पोर्शंस पे रिलाई करना स्टूडेंट्स ये जस्ट आप अपने एग्ज़ाम के साथ रिस्क ले रहे हैं और एग्जाम के साथ रिस्क लेना मतलब लाइफ के साथ रिस्क लेना ठीक है तो आप इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए स्टूडेंट ठीक है जी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा रुपीज़ ओनली फोर में ये अवेलेबल है स्टूडेंट तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं अच्छा सेकेंड चीज़ स्टूडेंट हमारी एच प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें नंबर ऑफ़ टेस्ट जो हैं हमारे दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स टोटल टेस्ट स्टूडेंट इसमें ट्वेंटी सिक्स रहेंगे आपके रुपीज़ टू सिक्सटी फाइव हंड्रेड में इसमें आपके कंप्लीट जो टेस्ट रहेंगे जनरल स्टडी के वो फोर रहेंगे और सी सेट के भी कंप्लीट टेस्ट फोर रहेंगे सो so, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट ऑफर है राइट right? ऑफर इस टाइम पे है स्टूडेंट ठीक है तो आप फटाफट से स्टूडेंट इसको अवेल कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इवन कोई डाउट है आपको आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से इसका एक्सेस करना है तो भी स्टूडेंट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अभी मेन्यू की साइट पर जाके कॉल कर सकते हैं राइट इवन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है स्टूडेंट उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ओके ओके <coughs> तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा आज के एमसीक्यू प्रैक्टिस राइट तो एमसीक्यू प्रैक्टिस में हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है ठीक है ओके बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट ऑलरेडी हमने क्लास में सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं स्टूडेंट तो क्वेश्चन तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे तो पढ़िए स्टूडेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट चैप्टर है हमारा एक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ठीक है वहाँ से ये क्वेश्चन है स्टूडेंट तो क्वेश्चन पढ़िए हैं जी रीड द क्वेश्चन देन रीड द आपके ये जो ऑप्शन हैं एंड आफ्टर दैट आप जो है इसको अटेम्प्ट कीजिए कहता है इफ वी बर्न ग्रेफाइट अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करें ठीक है तो क्या होगा रेजिड्यू विल लेफ्ट नो रेजिड्यू विल बी लेफ्ट इट विल नॉट बर्न इट विल चेंज इन टू डायमंड बताइए क्या होगा अगर स्टूडेंट आप ग्रेफाइट को बर्न करें प्लीज़ लिसन मी वेरी केयरफुल अगर आप ग्रेफाइट को बर्न करते हैं स्टूडेंट तो जब आप ग्रेफाइट को बर्न करते हैं तो ग्रेफाइट बनता किससे स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए केमिकल कंपोजिशन क्या है इसकी कार्बन से बना हुआ है यू मे बी सरप्राइज स्टूडेंट जो आपका डायमंड होता है वो भी आपका कार्बन से बना होता है आप सोचिए दोनों चीज़ें कार्बन से बनी हैं आपकी पेंसिल की लिड भी कार्बन से बनी है और डायमंड भी कार्बन से बने बट डायमंड की जो डिमांड है मार्केट में है ना डायमंड डायमंड हर जगह पे डायमंड ही डायमंड है और जो आपका आ, पेंसिल है उसकी उसका प्राइस फाइव रुपीज़ है और डायमंड का प्राइस फाइव लैख पता नहीं कितना है? है ना वो तो डिपेंड करते हैं आप कितनी अच्छी क्वालिटी का परचेज़ करते हो तो स्टूडेंट डायमंड जो है राइट right, वो भी कार्बन से बने और ग्रेफाइट भी कार्बन से बने तो जब आप उसको बर्न करोगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट वो सीओ में कन्वर्ट हो जाएगा राइट कार्बन डाइऑक्साइड में तो पूरे का पूरा ग्रेफाइट हमारा जल जाएगा पीछे कोई रेजिड्यू नहीं रहेगा नो रेजिड्यू विल बी लेफ्ट इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आप डायमंड को बर्न करोगे तब भी ऐसा ही होगा उसमें से भी सी ओ टू ही बाहर आएगी ठीक है जी ओके हाँ ग्रेफाइट को आप डायमंड में चेंज नहीं कर सकते फिर तो पेंसिल्स की मार्केट में क्या वैल्यू हो जाती ठीक है तो ऐसा कुछ भी नहीं है पॉसिबल ओके okay, बच्चा ठीक है जी हाँ जी तो सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है नैनोमीटर पे क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाट इज़ नैनोमीटर नैनोमीटर इज एन व्हाट तो देखो कहता है फर्स्ट ऑप्शन देखो पढ़ो कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंड कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग मैक्रो डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं सेकेंड थर्ड ऑप्शन है कहता है यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस डी ऑप्शन यूनिट फॉर मेजरिंग मैक्रो डिस्टेंस तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा सी यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस नैनोमीटर का मतलब होता है टेन डेज टू पावर माइनस नाइन मीटर ठीक है मतलब एक मीटर को अगर मैं तोड़ना शुरू करूँ ठीक है तो 10 रेज टू पावर माइनस नाइन में तोड़ेंगे तब हम उसको नैनोमीटर कहेंगे तो यूनिट फॉर मेजरिंग द माइक्रो डिस्टेंस क्लियर है स्टूडेंट आपको ठीक है जी ओके okay, ओके okay. हाँ जी थर्ड ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बैरोमीटर मेजर्स वॉट बैरोमीटर पे क्वेश्चन है स्टूडेंट बैरोमीटर क्या मेजर करता है बच्चे बताओ हाँ जी क्या आ, मेजर करता है बच्चे प्रेशर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर करता है विंड वेलोसिटी करता है गैसियस प्रेशर करता है तो करेक्ट ऑप्शन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओके ठीक है जी तो फोर्थ ऑप्शन रीड कीजिए स्टूडेंट कहता है थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स वट थर्मोमीटर की बात कर रहा है यहाँ पे कहता है थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स वट पहला ऑप्शन कहता है कहता है टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस दूसरा कहता है हीट ऑफ सब्सटेंस थर्ड कहता है रेडिएशन ऑफ सब्सटेंस डी ऑप्शन फ्लो एनर्जी इन ए सब्सटेंस तो थर्मोमीटर क्या मेजर करता है बच्चे बताना मेरे को आप थर्मोमीटर हम किस लिए यूज़ करते हैं बच्चे क्या करता है हीट ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस की हीट मेजर करता है वो ठीक है जी ओके क्लियर है आपको ये बात ओके ओके ठीक है जी हां जी तो आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर फाइव एनोमीटर मेजर स्वट एनोमोमीटर की बात की गई है यहां पे उसके बारे में आप बताइए हां जी बताइए एनोमीटर मेजर्स व्हाट देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट ये फैक्ट क्वेश्चन है अभी फैक्ट पे हम क्या करेंगे फैक्ट है सिंपल बात है ठीक है तो इसको आप कॉपी में नोट जरूर करते रहना ना तो दैट इज़ अवर विंड स्पीड ठीक है नेक्स्ट पढ़िए सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स फॉर्म्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंडस कौन सी ऐसी एलिमेंट है स्टूडेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स को जनरेट करती है चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं आप बताइए हाँ जी बताओ कौन सी है दैट इज अवर कार्बन दैट इज अवर कार्बन वाई कार्बन स्टूडेंट क्यों कार्बन तो देखिए कार्बन ही क्यों हमारे प्रियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं जितनी भी एलिमेंट्स हैं ठीक है ठीके? उनके कंपैरिजन में कार्बन सबसे ज़्यादा क्या जनरेट करती है कंपाउंड जनरेट करती है आप देख लीजिए स्टूडेंट नहीं करती क्या करती है बिल्कुल करती है देखो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट जो आप सब खाते हो आपके अंदर कितना सारा कार्बोहाइड्रेट है डेली कंज्यूम करते हो आप उसको और और क्या स्टूडेंट मीथेन फॉसिल फ्यूल्स कोयला डायमंड ग्रेफाइट मीथेन इथाइल एल्कोहल जो भी हैं वो उस सब में क्या है कार्बन है स्टूडेंट सब में क्या है कार्बन है तो आप एक बात सोच के देखो स्टूडेंट कि इतने सारे अगर कंपाउंड्स जनरेट हो रहे हैं तो कार्बन के अंदर कुछ तो ऐसा होगा यस और नो ठीक है तो कुछ तो ऐसा होगा कार्बन के अंदर वो क्या है वो है स्टूडेंट इसकी वैलेंसी अगर आप कार्बन की देखो तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास सिक्स तो पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो और दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे फोर तो बोहर मॉडल याद है आपको याद है या नहीं याद याद तो मैं आ, मैं करवाती हूँ आपको तो सीयर स्टूडेंट कार्बन के बारे में पढ़ते हैं कार्बन का जो आउटर मोस्ट शैल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे पास फोर तो आपको बा एक बात याद रहनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री आउटर मोस्ट शेल में हो तो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है लूज करता है फॉर गेन इट्स स्टेबिलिटी क्योंकि स्टूडेंट आउटर मोस्ट जो हमारा ऑक्टेट है एक दिन मैंने पहले भी बात की थी जो हमारा आउटर मोस्ट ये है के और ये है हमारा एल ये है हमारा कोई भी हमारा मान लो ये इसका हमारा न्यूक्लियस है तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम आठ होने चाहिए जब तक इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे स्टूडेंट ये स्टेबल नहीं हो पाएगा राइट right? तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करता है कोई भी हमारी एलिमेंट है कोई भी एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल ए एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करती है स्टूडेंट बॉन्ड बनाती है और एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन या तो शेयर कर लेते हैं या वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है वो दूसरे को दे देता है या फिर दूसरे से वो गेन कर लेता है और वो इस तरीके से वो जो कंपाउंड जनरेट होता है वो क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है ठीक है ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट तो फॉर गेन इट स्टेबिलिटी ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन मान लो उसके बाहर आउटर मोस्ट शैल में एक इलेक्ट्रॉन है दो है तीन है तो क्या कर देता है वो लूज कर देते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है मतलब किसी और को दे देते हैं ठीक है सो दैट so उसके आउटर मोस्ट शैल में हम इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे दो ही बचेंगे के शैल के अंदर और इससे क्या होगा वो स्टेबल हो जाएगा बट अगर इलेक्ट्रॉन फोर होते हैं स्टूडेंट आउटर मोस्ट शेल में जैसे कि हम बात करें कार्बन की तो वो क्या करता है ना तो वो लूज़ करता है क्योंकि चार देने भी बहुत मुश्किल है और चार लेने भी बहुत मुश्किल है इसलिए वो शेयर कर देते हैं इसको आप बिल्कुल ऐसे समझो स्टूडेंट मान लो आपको सौ रुपये चाहिए मान लो आपके आपको सौ रुपये चाहिए तो अगर मान लो आपके पास सिर्फ दस रुपये है ठीक है अच्छा दूसरे के बंदे के पास दस रुपये कम पड़ रहे हैं तो क्या आप उससे नब्बे रुपये उधार लोगे क्या नहीं आप क्या करोगे कि ये लो भाई आप मेरे से दस रुपये ले लो ठीक है क्योंकि मेरे तो किसी काम के नहीं मुझे तो सौ रुपये चाहिए ठीक है तो आप ये मेरे ले लो दस रुपये फिर आपके पास बीस रुपये हैं तो भी आप दे दोगे तीस हैं तो भी दे दोगे बट जब बात पचास की आएगी मान लो आपके पास फिफ्टी रुपीज़ हैं और आपको हंड्रेड रुपीज़ चाहिए तो आप ट्राई करोगे कि मान लो एक और पर्सन है आपका फ्रेंड उसके पास भी फिफ्टी रुपीज़ है अच्छा दोनों को कुछ खाने का मन है तो आप क्या करोगे और आगे प्राइस कितना है सौ रुपये तो आप क्या करोगे फिफ्टी फ़िफ्टी रुपीज़ की काउंटरी कर लोगे कि चलो फिफ्टी मेरे पास है फिफ्टी तुम्हारे पास है चलो कुछ खा कर आते ठीक है ये बात समझ में आई या नहीं आई बिल्कुल राइट right? बट अगर आपके पास मान लो आपके पास सेवेंटी रुपीज़ हैं एट्टी रुपीज़ हैं नाइन्टी रुपीज़ हैं आपको सिर्फ टेन रुपीज़ ही चाहिए ट्वेंटी रुपीज़ ही चाहिए फिर थोड़ी ना आप शेयर करोगे फिर नहीं आप शेयर करोगे आप क्या करोगे सामने वाले पर्सन से दस रुपये या बीस रुपये आप उधार ले लोगे ये बात क्लियर हुई आपको यस और नो ठीक है तो जब इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट शेल में फाइव सिक्स सेवन होते हैं तब आप क्या करते हो स्टूडेंट गेन करते हो दूसरों से आप ले लेते हो ये बात समझ में आई थोड़ा सा आपको क्लियर क्लैरिटी हुई या नो क्लैरिटी हुई या नहीं हुई तो स्टूडेंट कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं चार हैं तो वो क्या करता है फॉर गेन इट्स स्टेबिलिटी वो क्या करता है चार बॉन्ड बना लेता है चार क्या कर लेता है बॉन्ड बना लेता है और इस तरीके से स्टूडेंट वो बहुत सारे एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या करता है जनरेट कर लेता है और इवन ये चेन के अंदर भी क्या कर सकते हैं अपने आप को जोड़ सकता है बहुत सारे कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के चेन में क्या करते हैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं जैसे कि यहाँ पे समझो स्टूडेंट यहाँ पे समझो कार्बन की बहुत सारी चेन्स जैसे इस तरीके से बहुत सारे कार्बन्स इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं चेन में हो सकते हैं ठीक है लॉन्ग चेन बना सकते हैं वो ब्रांचेस बना सकते हैं कार्बन अपने आ, साथ में क्या करेगा दूसरे कार्बन के साथ क्या कर लेगा यहाँ पे चेन बना लेगा ब्रांचेस बना लेगा इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर में इस तरीके से समझ रहे मेरी बात? यस और नो? क्लियर है? इस तरीके से इस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी वे में वो क्या करेगा कार्बन जो है वो अपने कार्बन के दूसरे कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ वो क्या कर लेगा यहाँ पे इस तरीके से ब्रांच वे में या फिर चेन वे में राइट वो किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर गेन कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो डायमंड की अगर मैं बात करूँ तो डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है तभी तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है टेट्राहेड्रल मतलब कि इस तरीके से थ्री डी वे में वो स्ट्रक्चर गेन करता है सी 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 इसकी दो तीन ब्रांचेज ऐसे और एक ब्रांच बाहर की तरफ होती है टेट्राहेड्रल अच्छा अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट में वो क्या करता है लेयर्स बनाता है ग्रेफाइट में वो क्या करता है लेयर्स बनाता है कैसे बनाता है इस तरीके से रिंग फॉर्म में इस तरीके से इस तरीके से तो लेयर बाय लेयर ये कार्बन की लेयर फिर इसके नीचे लेयर फिर इसके नीचे लेयर फिर इसके नीचे लेयर और दो लेयर्स के बीच में आपस में मान लो ये एक लेयर है इसके नीचे लेयर है या इसके ऊपर लेयर है यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट उसके बीच में एक वीक फोर्स होती है एक वीक फोर्स होती है स्टूडेंट ठीक है जिसको हम वंडरवाल फोर्सेज भी कहते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एक ग्रेफाइट की लेयर दूसरे ग्रेफाइट की लेयर के साथ आपस में कनेक्टेड रहती है जब आप लिखते हो स्टूडेंट पेंसिल से आप लिख कैसे पाते हो क्योंकि लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर ग्रेफाइट की एक एक लेयर जो है वो आपकी कॉपी पे क्या होती जाती उतरती जाती ठीक है नहीं तो आप डायमंड से लिख के दिखाओ मुझे इसे इस प्लास्टिक से लिख के दिखाओ मुझे नहीं आप नहीं लिख सकते बच्चे क्यों क्योंकि यहाँ पर लेयर उतर नहीं रही है बच्चे पर जो ग्रेफाइट है उसकी एक एक लेयर जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ वो बहुत ही वीक फोर्स के साथ है जैसे ही आप उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो वो वीक फोर्स ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से एक एक लेयर करके आपका पेंसिल जो है वो कॉपी पे उतर दी जाती है ये बात क्लियर हुई या सुनो डन है हाँ जी अब तो कोई डाउट नहीं होगा आपको या अभी भी है हाँ जी तो क्वेश्चन कहाँ पे था हाँ जी ये क्वेश्चन था ना हमारा तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कार्बन हाँ जी तो सेवन्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट बताइए हाँ जी कहता है विच ऑफ द ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ कार्बन कहता है किस किस चीज में कार्बन है कोल के अंदर कार्बन है बिल्कुल कार्बन है बच्चे उसके अंदर कार्बन है अभी हमने डिस्कशन किया डायमंड में कार्बन है है ना इसमें भी कार्बन है ग्रेफाइट में कार्बन है बिल्कुल है ऑप्शन तो क्या बनेगा हमारे पास ऑल द बब नेक्स्ट देखो कहता विच ऑफ द फॉलोविंग इज मेड अप ऑफ कार्बन यहाँ पे फिर से उसने पूछा है कहता कौन सी चीज़ है जो कार्बन से बनी हुई है कैवलर लेक्सॉन स्पाइडर सिल्क नहीं ये तीनों ऑप्शन ही है ग्रेफ, ग्रेफीन हमारा करेक्ट ऑप्शन है ठीक है जी ओके ओके हाँ जी तो एट्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ो कहता है डज पेंसिल लेट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ठीक है पेंसिल के अंदर अभी हम बात कर रहे थे जो पेंसिल की लीड होती है उसके अंदर क्या चीज होती है स्टूडेंट उसके अंदर होता है हमारा ग्रेफाइट ठीक है और पेंसिल से आप लिख कैसे पाते हो क्योंकि एक एक लेयर होती है स्टूडेंट एक लेयर होती है उसके ऊपर क्या होती है हमारी लेयर होती है इस तरीके से इन सब के बीच में कार्बन लगी हुई है यहाँ पे ठीक है ये एक लेयर है इसके नीचे एक लेयर है सॉरी इस तरीके और ये दो जो लेयर्स हैं इनके बीच में क्या है हमारी एक वाल फोर्स है और यही वजह होती है स्टूडेंट कि जब आप क्या करते हो जब आप यहां पे ये जो जब आप फोर्स लगाते हो पेंसिल से जब आप क्या करते हो थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हो ये जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है और आपकी जो एक लेयर है एक लेयर है जो नीचे वाली है ग्रे ग्रेफाइट की पेंसिल की जो एक लेयर है नीचे जो ग्रे ग्रे कलर में होती है वो उतर जाती है आपकी कॉपी के ऊपर आपके पेपर के ऊपर और आप लिख पाते हो उसकी वजह से इज दैट क्लियर यस और नो ठीक है जी ठीक है जी तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पूछा इसने नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं है ये पूछा उसने हम्म कहता है नहीं है सल्फर है क्या डायमंड बिल्कुल डायमंड तो क्वार्ट्स बिल्कुल है ग्रेफाइट बिल्कुल है लेकिन सल्फर के आप क्रिस्टल नहीं बना सकते स्टूडेंट तो सल्फर इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन सल्फर इज अवर करेक्ट ऑप्शन ठीक है बच्चा यस और नो ओके हाँ जी तो लेट्स मूव फर्दर हाँ जी टेंथ नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप नंबर टेंता हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ फाउंड इन अमंग अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है स्टूडेंट किस में मिलता है हमें स्टील में मिलता है पिग आयरन में मिलता है रॉट आयरन में मिलता है या एलोय स्टील के अंदर मिलता है बताओ किसके अंदर मिलता है पूछा उसने स्टील में होता हैं नहीं स्टील में मिक्सिंग होती है स्टूडेंट अच्छा रॉट आयरन में नहीं होता एलोए आयरन में यहाँ पे भी मिक्सिंग होती है पिग आयरन जो होता है ना स्टूडेंट उसमें हाईएस्ट परसेंटेज होती है कार्बन की जो हमें मिलते हैं यस और नो क्लियर है ये बात है क्लियर बात आपको ठीक है जी तो इलेवंथ नंबर क्वेश्चन पढ़ो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डज नॉट कंटेन कार्बन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ही यहाँ पे जो चैप्टर है वो ज़्यादा कवर हुआ है अच्छा किस में नहीं है डायमंड में कार्बन है है ग्रेफाइट में है पीट कोल में है किसमें नहीं है सैंड में नहीं है यस और ठीक है yes no? जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हां जी तो ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन पढ़ो कहता है हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन के बारे में पूछा है यहां पे पहला कहता है एंथ्रासाइड कोल लिगनाइट कोल पीट कोल विटोनोमस कोल, हाँ जी बताओ कौन से कोल के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपके पास क्या होता है स्टूडेंट कोल प्रेजेंट होता है सॉरी uh, uh, कार्बन प्रेजेंट होता है तो बताओ किस किस में होता है तो याद रखना स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट जो हमें कार्बन कंटेंट मिलता है वो हमें मिलता है एंथ्रासाइट कोल के अंदर एंथ्रासाइट कोल के अंदर तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ पे हो गया लेकिन अभी भी हमें देखना है ठीक है अभी भी हम इस चीज़ को देखेंगे स्टूडेंट कि कितना कितना परसेंटेज हमें मिलता है तो देखो स्टूडेंट इसमें हमें मिलता है 90 परसेंट कोल ये आप इस स्टूडेंट कॉपी पे नोट कर लीजिए इसमें हमें मिलता है 90 परसेंट कार्बन मिलता है स्टूडेंट इसमें करेक्ट है जी दूसरे नंबर पे है हमारा बिटुनोमस दूसरे नंबर पे क्या है हमारा बिटोनोमैस तो इसमें कितना परसेंट मिलता है सेवेंटी कितना मिलता है सेवेंटी और दूसरा है तीसरे नंबर पे आता है हमारा लिगनाइट कौन सा आता है लिग्नाइट लिग्नाइट में हमें मिलता है स्टूडेंट फोर्टी परसेंट कार्बन मिलता है बाकी सब उसमें क्या होता है इम्प्योरिटीज़ होती है फोर्थ नंबर पे होता है हमारा पीट कोयल पीट में सबसे कम कार्बन मिलता है ट्वेंटी एट परसेंट कार्बन होता है स्टूडेंट उसके अंदर ये आप नोट कर लीजिए डेटा इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है पीठ ठीक है जी इसमें हमें ट्वेंटी एट परसेंट कार्बन मिलता है बहुत ही कम कंटेंट होता है इसलिए ये बहुत ही लोवेस्ट क्वालिटी का कोल होता है बहुत ही क्या होता है स्टूडेंट लोवेस्ट क्वालिटी का कोल होता है लोवेस्ट क्वालिटी का क्या होता है यहाँ पे कोल प्रेजेंट होता है इसके अंदर ठीक है जी लोवेस्ट क्वालिटी का कोल है यहाँ पे ठीक है जी पीट ठीक है और हमें हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कोल मिलता है बिटनोमे ठीक है एन्थ्रासाइड जो कोल है वो सबसे ज़्यादा रशिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप यहाँ पे मिलता है एंथ्रासाइड कोल फ्रांस के अंदर ठीक है जी हमारे इंडिया के अंदर एंथ्रासाइड कोल बहुत ही कम मिलता है बिटोनोमिस कोल मिलता है जिसमें सेवेंटी परसेंट कार्बन होता है बाकी सब इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसलिए इतना अच्छा क्वालिटी नहीं मानी जाती हालांकि ठीक है उसकी क्वालिटी वेल एंड गुड है बट एंथ्रासाइड कोल के अंदर नाइन्टी कार्बन होता है इसलिए दिस इज़ द हाइएस्ट क्वालिटी कोल है हमारे सारे कार्बन कोल के चार्ट में से ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पे ये चार्ट समझ में आया बच्चे आपको यस और नो तो नोट कर लीजिए बच्चे इस चार्ट को फटाफट से लिख लो ठीक है तो आगे मूव करें ओके जी हां जी तो थर्टी नंबर क्वेश्चन पढ़ो कहता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस वाटर गैस का आपको केमिकल फॉर्मूला पूछा है बच्चे ऑप्शन पढ़ो फटाफट से हाँ जी पहला ऑप्शन कहता है पहला ऑप्शन कहता है हमारे पास सी ओ प्लस एच टू ओ सी ओ टू प्लस एच टू थर्ड ऑप्शन है सी ओ प्लस एच एच टू नन ऑफ दिस तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा बताओ जी हमारा होगा कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये ही हमारा फॉर्मूला होता है वाटर गैस का क्लियर है बच्चे और नो डन है ठीक है जी तो आगे पढ़िए फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन पढ़िए कहता फॉलोइ इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कौन सा बताओ कौन सा है इसमें से फोर्टीन नंबर क्वेश्चन पढ़ो हाँ जी अच्छा कहता है सल्फर ब्रोमिन फॉस्फर और सिलेनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑवर सिलेनियम प्लीज रिमेंबर सिलेनियम इज अज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लीज रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जी ओके okay. हाँ जी कौन सी मेटल अगर मैं मेटल का पूछूं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है मैं आपको ऑप्शन देती हूँ गोल्ड नोट करो बच्चे सेकंड नंबर सिल्वर थर्ड नंबर पे कॉपर एंड फोर्थ नंबर पे है हमारी आयरन इन चारों ऑप्शन में से आप मुझे बताओ स्टूडेंट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड आयरन चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो स्टूडेंट फटाफट से कमेंट करो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कमेंट ना करे ठीक है वरना डांट लगाओगे अच्छे से ठीक है तो चलो कमेंट करो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मैंने चार ऑप्शन दे दिए हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड आयरन ठीक है, ओके तो उसी के साथ हमारा 40, फिफ्टी नंबर भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए कहता है इज ड्राई आइस ड्राई आइस क्या है स्टूडेंट बताना मेरे को बताओ बताओ फटाफट बताओ व्हाट इज ड्राई आइस तो सॉलिड वाटर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड हाइड्रोजन डिहाइड्रेटेड आइस तो करेक्ट ऑप्शन होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी वो उसी को हम ड्राई आइस कहते हैं स्टूडेंट तो इसको हम यूज़ किस में करते हैं अच्छा पहले तो ये बात ये बनाते कैसे तो उसको बनाते हैं हम बाई प्रेशर इसमें हम क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करके डायरेक्टली हम सी ओ टू जो हमारी गैस है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट ड्राई आइस के अंदर यस और नो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें ड्राई आइस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और अगर हम मान लो प्रेशर रिलीज़ कर दे तो क्या होगा ड्राई आइस वापस से यू ट्यूब बन जाएगी सर और इसको हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट फॉर द डीप रेफ्रिजरीजेशन के अंदर ठीक है डीप रेफ्रिजेशन में इसको यूज़ करते हैं हम ठीक है जी ठीक है तो ये आंसर आपको पक्का करना है कमेंट बॉक्स में ओके ठीक है जी तो यू नो दैट कि स्टूडेंट हमारा जो है अच्छा आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन रहता क्या हाँ देखो एक क्वेश्चन और पड़ा है ठीक okay. है जी ओके कहता है विच ऑफ द विच अमंग द फॉलोविंग ऑप्शन कैन बी यूज एज लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं किसको कर सकते हैं बताना मुझे तो किसको कर सकते हैं स्टूडेंट ग्रेफाइट को क्यों कर सकते हैं ग्रेफाइट को बिकॉज स्टूडेंट ग्रेफाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है स्टूडेंट दैट्स वाई उसको हम कैसे यूज़ करते हैं एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं बहुत सारी मशीन्स के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम उसको एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं किसको ग्रेफाइट को बिकॉज बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी स्लिपरी होता है आप अपनी पेंसिल की लीड को लेना उसको थोड़ा सा तोड़ना और फिर उसको ऐसे ऐसे करके देखना बहुत ही आपको स्लिपरी लगेगा वो ठीक है जी इसीलिए हम उसको एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ कर सकते हैं डायमंड को कर सकते हैं क्या एज ए लुब्रिकेंट बिल्कुल नहीं कर सकते बिकॉज डायमंड को आप कितना भी तोड़ लो दैट्स नॉट स्लिपरी ठीक है और ना ही वो फ्लेक्सीबल होता है ठीक है बिल्कुल नहीं होता है हीरे को तोड़ने के लिए कहते आप हथोड़ा भी ले लो तो भी नहीं टूटता वो ठीक है जी ओके ये बात क्लियर है आपको यस और नो ठीक है स्टूडेंट तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा सेशन ओवर होता है यहाँ पे बट स्टूडेंट सीयर स्टूडेंट इस टाइम पे मे भी बहुत सारे बच्चों को डीमोटिवेशन आ चुकी होगी कि मे भी हमारा पेपर क्लियर नहीं होगा बहुत थोड़ा टाइम रह गया है इलेवन फेब को तो पेपर है बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना ठीक है बस आप कंसिस्टेंसी के साथ फोकस के साथ आप पढ़िए ठीक है आई नो कि इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में बहुत सर्दी पड़ रही है ठीक है तो ऐसा ना हो कि आप परठे खा के सो जाओ ठीक है बिल्कुल नहीं करना बच्चे अपने माइंड को अलर्ट रखना है देखो कुछ टाइम की मेहनत है राइट आपकी ज़िंदगी जो है वो थ्री सिक्सटी टर्न हो जाएगी बच्चे टर्न हो जाएगी आफ्टर सिलेक्शन तो स्टूडेंट अपनी जी जान लगा दीजिए पढ़िए आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है ठीक है आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से बात कर सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है ठीक है अगर मान लो आपका फोकस नहीं लग पा रहा है स्केड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट में आपको दिक्कत आ गई है प्लीज़ स्टूडेंट डोंट हेजिटेज हेजिट नहीं होना है बस आपको जस्ट अपने टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखना है ठीक है जी ओके ओके स्टूडेंट ठीक है जी टीचर हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है ठीक है ओके ओके ठीक है स्टूडेंट मैं सेशन को ओवर करती हूँ थैंक यू हैवे नाइस डे